What's up guys, I'm Rohit Khurana and welcome to Cookbook by Rohit. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दही चिकन की रेसिपी। आप इसे दही वाला चिकन भी कह सकते हो या आप इसे व्हाइट चिकन कोरमा भी कह सकते हो, नाम कुछ भी लो लेकिन जबरदस्त टेस्ट की गारंटी मेरी। इसके साथ मैं आपको इस रेसिपी का खास मसाला कैसे बनाते हैं वो भी बताने वाला हूँ, और वो मसाला इस रेसिपी की जान है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दही चिकन के लिए चिकन को कैसे मैरिनेट करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैंने 1 kg चिकन लिया है और उनको अच्छे से वॉश करके टेंडन्स को कट कर लिया है। अगर आपको नहीं पता टेंडन्स को कैसे कट करते हैं तो कमेंट करके मुझे बताना। फिर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 3 से 4 हरी मिर्च डायगोनली कट करके, 1 tablespoon धनिया की डंठल, थोड़े से पुदीना के पत्ते चॉप करके, 1 tablespoon जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 tablespoon तेल, 1 tablespoon नींबू का रस और चॉप्ड धनिया। इनको अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक इस रेसिपी का खास मसाला रेडी कर लेते हैं। एक पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर लो फ्लेम पर 2 tablespoon काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, 2 लौंग, 5 से 6 बड़ी इलायची, इनको लाइटली रोस्ट कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे 2 tablespoon कसूरी मेथी, 2 ठंडा करके एक फाइन पाउडर बना लेंगे। अब एक हांडी में 2 tablespoon तेल और 2 tablespoon देसी घी डालेंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाए फिर ऐड करेंगे साव जीरा, इसकी जगह आप नॉर्मल वाला जीरा भी डाल सकते हैं, 2 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग। उसके बाद 2 medium size प्याज चॉप करके, प्याज को बहुत ज्यादा नहीं भुनना, बस जैसे ही ट्रांसलूसेंट हो बस तभी तक भुनना है। इस प्रोसेस में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट हो फिर ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन और 1 tablespoon जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, इनको हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भुनेंगे। जैसे ही चिकन वाइट हो फिर ऐड करेंगे दही। अगर आप काजू का पेस्ट नहीं यूज करना चाहते तो आप बादाम का पेस्ट या क्रीम भी यूज कर सकते हो। दही और काजू का पेस्ट डालने के बाद इनको लो फ्लेम पर अच्छे से स्टर करते हुए 1 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद हाई फ्लेम पर बीच बीच में स्टर करते हुए 5 से 7 मिनट के लिए भुनाई करनी है। लगभग 7 मिनट हो गए हैं और चिकन 80% कुक हो चुका है और घी छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। इस स्टेज पर गैस का फ्लो कर देंगे हम एकदम लो, और लो फ्लेम पर चिकन को 5 से 6 मिनट के लिए ढक के पकने देंगे। तो देखा आपने कितना डिलीशियस लग रहा है, व्हाइट चिकन के ऊपर ब्लैक मसाला डाल के सर्व करो, रुमाली रोटी या लच्छा पराठा के साथ खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बनाने में उतना ही सिंपल। एक बार इस तरह से दही वाला चिकन बनाइए और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको एंड आपके घर में सबको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।